Hey everyone, welcome to the class 24. जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जहां पे डेली सुबह मॉर्निंग में कई सारे ई न्यूज़पेपर है जो कि आते हैं 5 बजे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, सभी के जो है वो अपने पास में क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन जो है वो सभी के हैं, तो अपन सुबह सभी को रीड करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि हमें कवर करने चाहिए, जो कि आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं कवर करते हैं 40 से 45 मिनट के सेशन के अंदर। मैं कोशिश करता हूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज से लेकर आपके स्टेट का कोई वन डे एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो ना, तो सभी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने चाहिए। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ऐसा कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है जो कि हमारे इस सेशन के बाहर देखने को मिलता हो। ऑलराइट, क्योंकि इतने सारे न्यूज़पेपर जब आप इतने थरोली और इतने डिटेल के अंदर हर चीज पढ़ते हो, तो पॉसिबल नहीं है कि कोई पेपर बनाने वाला कहीं और से जो है वो पेपर बनाने की कोशिश भी कर ले। ऑलराइट, तो इसी तरीके से सेशन है जो कि 7 साल पहले डिजाइन किया गया था, तब से आज तक चल रहा है और होपफुली अगर सब कुछ सही रहा, जिंदगी रही, तो आगे भी चलता रहेगा और हम लोग इसी तरीके से जो है सेशन के साथ में नॉलेज को डे बाय डे इंक्रीज करते रहेंगे। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है रिपब्लिक डे और 26 जनवरी को हम लोग पूरे देश में रिपब्लिक डे मनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने आर्टिकल है जो कि आज के न्यूज़पेपर में हमें टोटल देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो द हिंदू में से आप देख सकते हो यहाँ पे 8 आर्टिकल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आपको 3 मिलेंगे, फाइनेंशियल और जनसत्ता में नहीं है, और पीआईबी पीआरएस की बात करें तो 4 सोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आज भी हमें न्यूज़पेपर में कोई 15 के आसपास टोटल आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, और सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है, एज ए क्लास 24 के तौर पे हम आपको जो चीज़ दे सकते हैं वो है मैक्सिमम हमारे कोर्सेज पे डिस्काउंट और दुआएं, दो ही चीज़ें हैं जो कि मिल सकती है, दुआएं हमेशा है और ये चीज़ें जो है वो आपको कभी कभी जब आपके लिए कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तब हम लोग लेके आते हैं एज ए गिफ्ट के तौर पे। तो रिपब्लिक डे है, 20% आपको जितने भी क्लास 24 के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, सभी के ऊपर आपको मिल जाएगा। आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा FLAG20। ओके, तो FLAG20 यूज़ करके आप 20% ऑफ आपको सारे कोर्सेज पे, चाहे मेरा करंट अफेयर का हो, SSC के सारे कोर्सेज हो, KVS का हो, चाहे फिर आपके ठीक है EORO का हो, ALP के बैचेज हो, ALP के लिए आपके शिप्रा मैम का और साथ में शुभम सर का बैच चल रहा है ना, ये आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी हो और अगर आप UGC सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 10% FLAG10 रेफरल कोड यूज करके यहां पर भी मिल जाएगा। आपको ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, प्रिपरेशन में जाना है और वहां पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं आज के द हिंदू का फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पे बात करें तो यहां पे सबसे पहले दोस्तों हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां पे US और जर्मनी ने फाइनली दोस्तों अप्रूवल दे दिया है अपने लेपर्ड टैंक और साथ में इब्राहिम टैंक का, जो कि यूक्रेन को देने वाले हैं। यूक्रेन बहुत ज्यादा बेनिफिट है जिससे यूक्रेन को उससे मिलेगा। यहां पे मनिक सरकार जो थे बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन है CPIM के, और 1998 से लेकर 2008 तक CM भी रहे थे मणिपुर के, अभी इस बार के इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। यहां पे दोस्तों अडानी के शेयर है जो कि कल धड़ाम से गिर गए, क्या कारण रहा इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रिपब्लिक डे को लेकर है और यहाँ पे पठान मूवी को लेकर है, तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है हमारे लिए। ये तीनों ही न्यूज फ्रंट पेज की बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखोगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है जो कि हमारे प्रेसिडेंट ने दिया कि हमारा देश जो है वो मल्टीपल क्रीड और लैंग्वेजेस से बना हुआ है और यही हमारे देश का एसेंस है। तो हमें इस चीज को इंजॉय करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इतने कल्चर है, हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे इतने लैंग्वेजेस है, इतने क्रीड है। ऑलराइट, तो ये सब जो है यही इंडिया को रियल में बनाती है। इस चीज को अपोज करने के बजाय, गलत बोलने के बजाय, हम सबको इसको इंजॉय करना चाहिए, फ्लॉरिश करना चाहिए, यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी ताकत है। तो यही चीजें जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा कही गई, साथ में उन्होंने B.R. अंबेडकर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, महात्मा गांधी जी के सर्वोदय जिसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, इसका एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे कोट किया। देखो 26 जनवरी 26 तारीख को ही क्यों मनाया गया, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। देखो क्या हुआ था कि साइमन कमीशन आया था 27 के टाइम पे, तो साइमन कमीशन के टाइम पे क्या था कि 7 लोगों के एक कमीशन था जिसमें सारे व्हाइट लोग थे, है ना, उनको इंडिया भेजा गया था कि यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म जो ब्रिटिशर्स ने करे उसकी रिपोर्ट देने को लेकर। लेकिन
सभी लोगों में से कोई भी जो है वो इंडियन नहीं था, किसी को प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्या इंप्लीकेशन हुए इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन सभी लोगों ने एक व्हाइट वॉश रिपोर्ट है जो कि बना दी। उसी टाइम पे मोतीलाल नेहरू जी ने भी एक रिपोर्ट है जो कि दी, जिसके अंदर काफी चीजें बताई और उसमें डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई। उस टाइम पे कई सारे यंग हमारे लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, हमारे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बोला कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज की जरूरत है, तो पूर्ण स्वराज की डिमांड करने की बात करी। गांधी जी ने भी बोला कि एक बार डोमिनियन स्टेटस पे आते हैं उसके बाद पूर्ण स्वराज की तरफ चलेंगे। तो 19 दिसंबर 1929 को दोस्तों मीटिंग हुई लाहौर के अंदर, और वहां पे बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को हम देश आजाद है जो कि हमें करवाना है। तो ये 26 जनवरी 1930 डेट है जो कि रखी गई थी 1929 के अंदर हमारे सारे लीडर्स के द्वारा, और उन्होंने कई सारे मूवमेंट है जो कि देश में स्टार्ट कर दिए थे। ओके, तो हुआ ये, लेकिन वो मूवमेंट भी बहुत सारे आगे बढ़े, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी रहा, लेकिन 26 जनवरी को हम लोग आजाद नहीं हो पाए 1930 को, हमें 1947 तक वेट करना पड़ा। तो उस दिन को याद करने के तौर पे ही हमने रिपब्लिक डे 26 जनवरी को घोषित किया। ओके, तो ये हमारे रिपब्लिक डे की स्टोरी है जो कि 26 जनवरी को ही हम लोग क्यों बनाते हैं, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही बन गया था, 26 नवंबर को ही बन गया था, संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन फिर भी हमने वेट किया और 26 जनवरी को ही हमने रिपब्लिक डे है जो कि मनाया। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे आप देखोगे अभी रिसेंटली जर्मनी और यूएसए, जर्मनी ने ये बात बोली थी कि पहले हमें यूएसए को जो है अपने टैंक्स है जो कि देने चाहिए, इब्राहिम टैंक्स, उसके बाद ही हम लोग अलाउ करेंगे। तो फाइनली यूएसए ने भी जो है इसका अप्रूवल है जो कि दे दिया है। तो यूएसए ने दोस्तों अपने इब्राहिम टैंक और साथ में जर्मन ने अपने जो लेपर टैंक्स है, इन दोनों की परमिशन दे दी है, और डजन्स ऑफ हैवी वेपन भी जो है वो कीव को अवेलेबल करवाने वाले हैं, क्योंकि अभी जो वॉर है ये 12th मंथ के अंदर एंटर करने वाला है। रशिया भी अब क्या करने वाला है, वापस से एक नया अटैक है जो कि करने वाला है। ओके, बाइडन ने 31 इब्राहिम टैंक है जो कि यूक्रेन को भेजने के लिए बोला है, और इसके अलावा जर्मनी ने भी अपने लेपर्ड टैंक A6 टैंक है जो कि अवेलेबल करवा दिए हैं। चांसलर ने यहाँ पे ओलफ है आज के टाइम पे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को यह रिक्वेस्ट है जो कि क्लियर करने के लिए बोल दिया है। ओके, गोल क्या है कि जर्मन के तो 88 जर्मन मेड लेपर्ड टैंक है जो कि अवेलेबल करवाए जाएंगे 2 बटालियन के अंदर, और साथ में ट्रेनिंग करना और अच्छे टेरेन के ऊपर काफी एडवांटेज है। जो रशिया यूज कर रहा है वो बहुत ही पुराने टैंक यूज कर रहा है, अगर ये टैंक यूक्रेन को मिलते हैं तो डेफिनेटली काफी बेटर कंडीशन है जो कि उसकी हो जाएगी, और स्प्रिंग ऑफेंसिव, स्प्रिंग के अंदर वापस रशिया अपनी फोर्सेस को एक करके वापस से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। किस किस देश के पास में कितने टैंक है जर्मन के लेपर्ड टैंक वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जर्मनी के पास सबसे ज्यादा टैंक है सर्विस में, स्टोर के अंदर भी सबसे ज्यादा है क्योंकि जर्मन के ही टैंक है। सेकंड नंबर पे ग्रीस के हैं, फिर स्पेन, टर्की, पोलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सारे यूरोपियन कंट्रीज के पास में लेपर्ड टैंक जर्मनी से खरीद रखे हैं। जब तक जर्मन अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई दे भी नहीं सकता ये टैंक अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तो अब जर्मन ने अलाउ कर दिया तो सारे देश थोड़े थोड़े टैंक है जो कि अपने भेजना स्टार्ट करेंगे यूक्रेन को मदद करने के लिए। इसमें फिनलैंड और नॉर्वे, ये 2 नाटो के मेंबर नहीं है, ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है। तो 2500 से भी ज्यादा टोटल सर्विस में है और 2500 के आसपास ही टोटल स्टोर के अंदर भी अभी अवेलेबल है। अभी प्रेजेंट में स्टेटस क्या है दोनों का वो भी देख लेते हैं, किसने कितना एरिया कैप्चर कर लिया है। तो ये यूक्रेन का मैप है और इसका अगर आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट जो है ये पूरा अभी इसके हाथ से जा चुका है। 4-5 महीने पहले भी सेम कंडीशन थी, अभी विंटर्स में भी सेम कंडीशन है। तो अभी इतना ही एरिया है जो कि रशिया 12-11 महीने की लड़ाई के अंदर जीत पाया है, नियर बाय 10-15% आप इसको कह सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ये विंटर्स में दोस्तों यूक्रेन ने वापस हासिल कर लिया। हालांकि रशियन सोल्जर्स भी काफी ट्रेंड है विंटर्स में लड़ने को लेकर, वर्ल्ड वॉर टाइम पे जर्मनी की हालत इसीलिए खराब हुई थी क्योंकि सर्दियों के अंदर उन्होंने रशिया से पंगा ले लिया था, यूएसएसआर से पंगा ले लिया था, तो धूच के इतनी ज्यादा ठंड में जो है ना वो धूच के बेचारे को वापस जाना पड़ा था। हिटलर को कोई आइडिया नहीं था कि कितनी ठंड है जो कि रशिया के एरिया में मॉस्को के बॉर्डर के ऊपर है जो कि पड़ने वाली है ना, तो वही वाली प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे दोनों ही देश काफी सिमिलर कल्चर एक्सचेंज करते हैं, है ना, यूक्रेन भी सेम ट्रेंड है जिस तरीके से रशियन ट्रेंड है, तो उनको सर्दी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये एरिया विंटर्स के अंदर ही इन्होंने वापस छीन लिया है, अब नए तरीके से वापस से ये लोग अपना एस्केलेशन करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं अडानी को लेकर, तो जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले भी बात करी थी कि अडानी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और जिस गोली की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब उस स्पीड के अंदर कहना कहीं जो है वो कुछ प्रॉब्लम है जो कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स को देखने को मिल सकती है। तो कल हुआ क्या कि रिसेंटली एक यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलर
हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, तो उसने अपनी कई 2 साल की रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी, 2 साल से वो लोग इसके ऊपर रिपोर्ट करने की वो कर रहे थे, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और अब उन्होंने टोटल फाइंडिंग है जो कि बता दी, जिसमें कई सारे ऐसे एविडेंसेस बताए गए अडानी ग्रुप के कि उन्होंने क्या किया है, स्टॉक का मैनिपुलेशन किया है, अकाउंट्स के अंदर फ्रॉड किया है ओवर द टाइम, और पिछले 10 साल का भी डाटा है जो कि इसके अंदर बताया गया है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट है जो कि वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करी गई। जैसे ही ये वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट आती है दोस्तों, वैसे ही कई सारी कंपनियों में 1.5% और कई सारी कंपनियों में 8% जो स्टॉक है वो गिर जाते हैं अडानी के। ओके, तो अभी आप देखोगे तो मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज के बहुत ही खतरनाक है। मतलब एक बहुत ही छोटा सा कॉमन सा लॉजिक है, अगर कोई कॉमन सेंस भी लगाना चाहे तो देख सकता है कि पिछले 2-3 साल पहले अडानी मतलब कहीं पर भी नहीं थे, अगर 3-4 साल पहले बात करें तो, और 3-4 साल के अंदर पर डे 1600 करोड़ रुपए हैं जो कि अडानी ने कमाए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो 819% एवरेज एप्रिसिएशन, ओके, पिछले 7 कंपनी जो अडानी की है उनके पिछले 3 सालों में देखने को मिला है। तो यानी कि 3 सालों में अगर किसी ने मान लीजिए 1000 रुपए लगाया होता अडानी के किसी भी कंपनी में, तो 819% उसको एप्रिसिएशन मिला है। इतना ग्रोथ कहीं पर भी दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन को देखने को नहीं मिला जितना अडानी को देखने को मिला है। तो और ये बात मैंने बहुत पहले बोली भी थी, आपको याद होगा करंट अफेयर में जब ये कोविड के टाइम पे बहुत राइज हो रहे थे शेयर्स और अडानी जी की वेल्थ जो है वो बहुत गोली की तरह ऊपर जा रही, तब मैंने बोला भी था कि यार टाटाज अम्बानीज बिरलाज ये बहुत ही हार्डकोर बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, ये लोग अपनी कंपनीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से संभालते हैं और उनकी ग्रोथ कभी भी इस तरीके से देखने को नहीं मिली, जबकि ये तो मतलब बहुत ही रियल बिजनेस चला रहे हैं। और अडानी का ऐसा कोई इनोवेशन नहीं है, कोई ऐसा पेटेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी इतनी तेजी से गोली की तरह ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये समझना। तो उसी की रिपोर्टिंग है जो कि यहाँ पे हुई है, और कई सारे शेयर्स आप देख सकते हैं, 7 कंपनीज है टोटल, ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट, पावर, विल्मा, ये सारे के सारे शेयर है जो कि नीचे गिर गए। और कल कुल मिला के एक दिन में 80,000 करोड़ का लॉस है जो कि अडानी ग्रुप को या फिर इन्वेस्टर्स को जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, अडानी की जो वेल्थ है वो एक पिछले साल के अंदर 1 साल में ही डबल हो गई 116%, और टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो 6 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने ऐड करे हैं। पिछले 5 सालों में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है ये, जिनकी वेल्थ 1400% से भी ज्यादा है जो कि इंक्रीज हुई है। ओके, नेटवर्थ इनकी 13 गुना है जो कि हो गई मात्र 2.5 साल के अंदर। इनकी नेटवर्थ से दोस्तों ज्यादा देश में 2 ही कंपनियां हैं, या तो TCS इनकी 11 लाख करोड़ के आसपास है, TCS 11 लाख 12 लाख करोड़ के आसपास ही नेटवर्थ है, TCS टोटल मतलब, और उसके ऊपर एक रिलायंस कंपनी है ओवरऑल ग्रुप जो कि 17-18 लाख करोड़ की है। मतलब बंदे से ज्यादा नेटवर्थ सिर्फ देश में 2 ही कंपनी की है। ओके, तो ये यहाँ पे पूरा डाटा है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 7। ऑलराइट, तो पेज नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर इतने टाइम से बढ़ा रहा हूं, मैं तो देख रहा हूँ ग्रोथ, फिर भी मैंने 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किया अडानी के अंदर। ठीक है, ओके, एक बार जरूर किया था मेरे ख्याल से कोविड के स्टार्टिंग के अंदर, मैं आई हैव इन्वेस्टेड कुछ बहुत ही स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मालूम था कि राइज करेगा, लेकिन जिस तरीके से अगर आप कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके 1 महीने में निकाल लो, तो मैंने 1 महीने में निकाला, तो मुझे मालूम था कि फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो 1-2 महीने के अंदर राइज हुआ था और उसके बाद मैंने वापस विड्रॉ कर लिया। लॉन्ग टर्म के लिए आप टाटा रिलायंस में इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अडानी में बहुत ही डेंजरस है, बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ही ज्यादा कर्जा है, 2-3 लाख करोड़ रुपए का तो कर्जा है अभी बंदे के ऊपर, अगर कहीं ये सरक लिया इधर उधर तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी इकोनॉमी की। चलिए आगे बात करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। तो आप देख सकते हो टाइमलाइन और इमेजेस है जो कि डाटा के तौर पर बताया गया कि कैसे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी जो है वो है ना वो आगे हुई है। 1940 से 1950 के बीच में पहली बार डिजिटल कंप्यूटर से जो कि बनाए गए थे, उसके बाद में पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 के पास में आया, और 1990 में आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 0.05% लोग हैं जो कि ऑनलाइन थे, और 30 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग इंटरनेट है जो कि ग्रोथ हुई है। पहला आईफोन 2010 से पहले आया, और अभी 2022 में 23 में अभी हम लोग, और 23 तक में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ है जो कि टेक्नोलॉजी के पिछले 80 सालों के अंदर देखने को मिली है। अब जितनी स्पीड आपको 80 सालों में मिली ना टेक्नोलॉजी के अंदर, उतनी ही स्पीड आपको आने वाले 8 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी में मिलने वाली है। तो अब आप लोग कितने ज्यादा अपडेटेड हो टेक्नोलॉजी से, वही है जो कि
आने वाले टाइम पे डिसाइड करेगा कि आपका करियर क्या है ना, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो ओके क्योंकि फिर आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फ्यूचर रिक्वायरमेंट है ना। चलिए तो अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसके ऊपर अगर आपने कुछ भी सीखा है ना तो आपको कभी भी जिंदगी में जॉब की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आने वाला भविष्य यही सब है ना, बहुत तेजी से डे बाय डे टेक्नोलॉजी है जो कि आगे बढ़ रही है। चलिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की बात करें तो पहला डिजिटल कंप्यूटर लॉन्च हुआ, उसके बाद में थियसिस एक स्मॉल रोबोटिक माउस है जो कि बना था पहली बार 1950 में, पहली बार माउस। उसके बाद में एक परसेप्शन है, ये भी एक नेटवर्क बनाया गया था जो कि लेफ्ट और राइट को पता कर सकता था ऑटोमेटिकली। उसके बाद में एक गैमोन करके बनाया गया सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन की तरह थोड़ा बहुत खेलता था, और एलेक्स नेक्ट बना 2010 में, ये डीप लर्निंग के ऊपर था, ये रिकॉग्नाइज कर सकता था इमेजेस, डॉग की कौन सी है, कार की इमेज कौन सी है, कौन सी कार है, सब कुछ बता सकता था। और आज देखोगे अगर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे हो चुका है, चैट जीपीटी आपने ट्राई करा ही होगा, पूरी किताब लिख दो क्वेश्चन अपने आप निकाल देगा वो, उसमें से यूज किया है कभी करके देखना, सारे क्वेश्चन बना देगा, आप बता दो क्या लिखना है वो पूरी पूरी किताब लिख देगा अपने आप ही ठीक है, बहुत ही अमेजिंग है। चलिए तो बहुत स्पीड से जो है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे अगर आप देखोगे 10-20 सालों के अंदर कितनी हर चीज कितनी ऊपर पे गई है। 14 में कुछ इस तरीके से इमेजेस बनाए करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज देखोगे बिल्कुल रियल इमेजेस है, अब तो रियल इमेजेस तो छोड़ो कार्टून वार्टून तक भी बिल्कुल रियल बनने लग गए, ऐसा लगता है कि ओरिजिनल एकदम। ह्यूमन परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेज हो गई है। हैप्पी रिपब्लिक डे सौरभ, हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 11, और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे हमारे कई सारे मेडल्स, हमारे ऑनर के बारे में, यानी कि हमारे क्या बोलते हैं हमारे भूषण अवार्ड जो है, हमारे पद्म अवार्ड है, उनके बारे में बात करेंगे। कई सारे लीडर्स को 2023 के रिपब्लिक डे पे पद्म अवार्ड से जो कि दिए गए, ये लिस्ट है 2023 की, प्रेसिडेंट ने दोस्तों अप्रूव किए 106 पद्म अवार्ड, जिसमें 6 पद्म विभूषण है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री है। आपको पद्म विभूषण और भूषण इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। विभूषण की बात करें, बीवी दोषी साहब अभी 2-3 दिन पहले इनकी डेथ हुई, कल ही हमने इनके बारे में पढ़ा था, देश के पहले प्रिजगर अवार्ड विजेता अवार्ड जो कि दुनिया में सबसे बड़ा आर्किटेक्ट का अवार्ड है। उसके अलावा जाकिर हुसैन साहब 8 के अंदर महाराष्ट्र से, बीवी दोषी साहब गुजरात से, कृष्णा जी पब्लिक अफेयर कर्नाटका से, काफी सारे पोजिशन पे काम किया इन्होंने, और महन लोबी साहब पोस्टमिसली मेडिसिन में वेस्ट बंगाल, श्रीनिवास वर्धान साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएस, और मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश में पोस्टमिसली। तो ये 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। उसी प्रकार से पद्म भूषण की बात करें, कुमार मंगलम बिरला ब्रह्मा जी लिटरेचर एंड एजुकेशन के, बैंगलोर को जो आज बैंगलोर है उसमें बनाने में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। दीपक धार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वानी जयराम स्वामी चिन्नाजीआर ये तेलंगाना के स्पिरिचुअल से, और सुमन आर्ट एंड आर्ट से महाराष्ट्र, कमलेश पटेल सुधा मूर्ति इंफोसिस आप सभी को मालूम ही है, और कपिल कपूर। तो ये सारे लोग हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी तरीके से पद्मश्री से भी दोस्तों बहुत सारे डिग्निटरीज को सम्मानित किया गया, ये काफी लंबी लिस्ट है जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, है ना। और मैक्सिमम जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है वो आपसे आई डोंट थिंक यहाँ पे पूरे वे, एक तो राकेश झुंझुनवाला पोस्टमिसली, अजीज अरीज ये पोस्टमिसली ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर 2-3 नाम है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, और ट्रेड एंड इंडस्ट्री से, बाकी सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 12, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे यहाँ पे मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम के बारे में, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है, इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम जिसको अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम भी कहा जाता है, देखो सरकार ने क्या किया, थोड़ा तो पहले लेके चलता हूं। आपको मालूम है कि इटली के अंदर दुनिया के सब वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से जहां पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अब इटली हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं। तो इन कंट्रीज ने क्या किया था अभी 10 साल पहले, इन्होंने बोला कि यार देखो बहुत पैसा लगता है सरकार का इनको रख रखाव करने में, तो क्या करते हैं कि कंपनीज को इसको दे देते हैं अडॉप्ट करवाने के लिए। कंपनी क्या करेगी, अपने CSR के पैसे से इनको मेंटेनेंस करना, वहां पे सर्विसेज अवेलेबल करवाना, ये सब है जो कि कर लेगी। तो उससे कंपनी के CSR का पैसा भी काम में आ जाएगा और सरकार का पैसा भी बच जाएगा, और प्राइवेटली ये लोग अडॉप्ट कर लेंगे तो वहां पे ये लोग मार्केटिंग भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ये यूरोपियन कंट्री के द्वारा अपनाया गया स्कीम, बहुत बढ़िया थी, सक्सेसफुल भी हुई। फिर हमने भी दोस्तों यही काम किया,
हमने भी, हालांकि खैर हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव उनसे भी पहले किया गया था, 2011 में ही दोस्तों सरकार ने ये प्लानिंग कर ली थी, है ना। एक उस टाइम पे कल्चर, नेशनल कल्चर फंड है जो कि बनाया गया था, जहां पे 34 प्रोजेक्ट को पीपीपी पे लाया गया था, और इन प्रोजेक्ट में यूपीए गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा था कैंपेन क्लीन इंडिया, ये इसका नाम है जो कि रखा था, जहां पे 120 मॉन्यूमेंट को क्या किया जा रहा था, पीपीपी मॉडल के ऊपर लेके आया जा रहा था, कैंपेन क्लीन इंडिया, ये पहले का नाम था। फिर नई सरकार बनी, उन्होंने इसका नाम अडॉप्ट है हेरिटेज स्कीम है जो कि रख दिया, ठीक है। और जो लोग अडॉप्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मॉन्यूमेंट मित्रा, जो मित्र है मॉन्यूमेंट के उन कंपनीज को हम लोग ये नाम देते हैं। अभी सरकार ने ये बोला है कि पहले तो क्या कर रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना वो ही अडॉप्ट कर रही थी, लेकिन अभी सरकार ने बोल दिया है कि कोई प्राइवेट फर्म भी अगर चाहती है अडॉप्ट करना है तो वो भी कर सकती है। तो हमारे यहाँ पे 1000 ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं, और पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास में था, अभी इसको शिफ्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे के टाइम पे अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम है जो कि लॉन्च करी थी, समझ गए। लेकिन अभी ये जो योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास में है। अभी टारगेट किया गया है 500 साइट को पार्टनरशिप करके रिवैम्प करें, ताकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है 3 साल तक, तो 2% जो भी प्रॉफिट है उसका पैसा CSR में लगाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वही पैसा है जो कि यहाँ पे काम में आ जाएगा, समझ गए। ये देखिए आया IT, जैसे कि ITDC है, इसने कुतुब मीनार को 2012 में अडॉप्ट किया। ONGC ने 6 मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया था, एलिफेंटा, एलोरा केव्स, गोलकुंडा फोर्ट, रेड फोर्ट, ताजमहल, इन सबको अडॉप्ट जो कि किया था। फिर नई स्कीम आई वर्ल्ड टूरिज्म डे पे 27 सितंबर पे, और इसके अंदर भी सिनर्जीज के बारे में बात करेंगे, कोई भी प्राइवेट पब्लिक जो कंपनी इसमें आ सकती है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 15 स्पोर्ट्स की। सबसे पहले बात करेंगे हमारे यहाँ पे दोस्तों महिलाओं की IPL, और BCCI ने नियर बाय 4,500 करोड़ रुपए जो कि वुमेन IPL के अंदर ऑक्शन से कमाए, बहुत ही अमेजिंग पैसा ही पैसा होगा। BCCI बहुत सही जा रहा है यार आज के टाइम पे, तो और अच्छी बात है वैसे, है ना, जितना ज्यादा अच्छे लीग्स होगी उतना ही स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलता है, स्पोर्ट्समैन को भी अच्छा रहता है, बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व करते हैं, है ना, काफी सही है। और अगर आप देखोगे तो 1200 करोड़ में अहमदाबाद की जो टीम है वुमेन IPL की, वुमेन प्रीमियर लीग जिसको कहा गया है, अडानी ग्रुप ने खरीदा। 900 करोड़ में मुंबई की टीम इंडिया विन मुंबई, जो मुंबई स्पोर्ट्स की कंपनी, उन्होंने खरीदा। बैंगलोर की कंपनी 900 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स ने, 810 करोड़ में दिल्ली की JSW JMR ग्रुप उसने, जो कि दिल्ली कैपिटल्स भी उसी के पास है, और 750 करोड़ में लखनऊ की कैपिटल कैपरी ग्लोबल ने खरीदा है। ओके, टोटल मिला के 4669 करोड़ का रेवेन्यू है जो कि फ्रेंचाइज सेल से अभी हुआ है। 22 टोटल मैचेस करे जाएंगे 3 सीजन में, 12 करोड़ रुपए का एक सीजन का पर्स है जो कि एक कंपनी के पास में प्लेयर्स को देने के लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये सब यहाँ पे बताया गया। 6 से 26 मार्च के बीच में ये टूर्नामेंट है जो कि मुंबई या फिर पुणे के अंदर है जो कि करवाया जाएगा। प्लेयर का ऑक्शन 1 से 10 फरवरी के बीच में किया जाएगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं पेज नंबर 16, यहाँ पे बात करेंगे सूर्य कुमार यादव। ओके, हमारे इंडियन AB डिविलियर्स और 360 डिग्री प्लेयर है, पीछे से लेकर आगे तक हर जगह पे छक्का है जो कि मारते हैं, बहुत ही अमेजिंग T20 फॉर्मेट रहा इनका, इसी वजह से इनको ICC के द्वारा ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि मिला है। ओके, कई सारे लोग थे इस लिस्ट के अंदर, रिजवान थे, सिकंदर राजा थे, सैम कुरन थे, उन सबको बीट करके सूर्य कुमार है जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि मिला है। इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्मृति मंदाना भी थी, लेकिन जीता कौन, मैगराथ दोस्तों, इसका उनका पूरा नाम है टैलिया मैगराथ है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, महिलाओं के अंदर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं इमर्जिंग प्लेयर की, तो इमर्जिंग प्लेयर के अंदर रेणुका सिंह है, अभी 2021 में इन्होंने डेब्यू किया, बहुत ही अमेजिंग स्पीड बॉलर है, स्विंग बॉलर है। तो इमर्जिंग क्रिकेटर के अंदर रेणुका सिंह और मार्को करके एक और प्लेयर है, है ना, इन दोनों को इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आपको तो यहाँ पे सूर्या और रेणुका, ये दो नाम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर, और इजिप्शियन प्रेसिडेंट अल सीसी जो है वो आ चुके हैं, कई सारे पैक्ट भी साइन हुए हैं, बात करेंगे कल पैक्ट के बारे में। ओके, चलिए, तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो ONGC के जो नए CEO है जो कि बनाए गए, जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ONGC आप सभी को मालूम ही है, देश के लिए काफी प्रॉफिट है जो कि अर्न करती है, और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। 1956 में इसका फॉर्मेशन किया गया, और अरुण कुमार सिंह को अभी CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया है। चेयरपर्सन अभी राजेश कुमार श्रीवास्तव है।
अगर आप इनकम प्रॉफिट देखोगे ना, नेट इनकम देखोगे, तो 50,000 करोड़ के आसपास आपको एनजीसी का देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में 27,000 एम्प्लॉइज है, और विदेश में भी दोस्तों कई सारे इनके एनजीसी विदेश नाम की कंपनी फॉरेन में भी काम करती है ना। एचपीसीएल इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है। आगे बात करते हैं जो कि है एंड्रॉइड चैलेंजर दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। आप सभी को मालूम ही है कि अभी आप कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन खरीदते हो, एंड्रॉइड तो गूगल का है, तो गूगल आपको कई सारी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करके देता है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर हो गया, जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, कई सारी एप्लीकेशन आपको पहले से देता है, उनको आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो अगर आप चाहो ना। हालांकि खैर मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन होगा कि जो गूगल के इतनी अच्छी एप्लीकेशंस को डिलीट करना चाहेगा या फिर नहीं चाहेगा, ऑटो पे नहीं चाहेगा। लेकिन कई बार इसके बारे में चर्चा होती है कि इसको गूगल क्या कर रहा है, जबरदस्ती एप्लीकेशन सबको दे रहा है, डिलीट भी नहीं करने देता। तो एंड्रॉइड के ऊपर इतनी सारी एप्लीकेशन होने का फायदा है जो कि गूगल उठाता है, ये कई सारा दोस्तों उसके ऊपर है जो कि एलिगेशन लगते हैं। बात सही भी है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हमने खुद का एक और नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बनाया है, जहां पे आपको बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी, जहां पे आपको कोई इनबिल्ड एप्लीकेशन पहले से नहीं मिलेगी, आप जो चाहे एप्लीकेशन यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम BHAR भार OS है जो कि नाम रखा गया है। ये मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने खुद ने है जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। ऑलराइट, अभी ये जनता के लिए तो अवेलेबल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अभी ये कंपनीज के लिए अवेलेबल है, उनको बेहतर सिक्योरिटी अवेलेबल इसके अंदर करवाई जा रही है। ओके, तो मोबाइल ओएस की जो स्पेस है जिसमें मोनोपोली है एंड्रॉइड की और साथ में iOS की, एप्पल तो iOS के ऊपर चलता है और गूगल के सारे आपके गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड के ऊपर चलते हैं, है ना, ये वाली बात है। तो ये कहानी है। तो बाहर ओएस डिफरेंट कैसे है एंड्रॉइड से, वो मैंने आपको बताई दिया है कि ये आपको फोर्स नहीं करेंगे। 95% दोस्तों एंड्रॉइड का जो शेयर है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, इंडिया में 95% एंड्रॉइड मोबाइल है। कितने भी मोबाइल फोन आप देखते हो आज के टाइम पे, चाइनीज हो, कोई से भी हो, सैमसंग हो, सब लोग एंड्रॉइड ही यूज करते हैं। ओके, इसी प्रकार से 80 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन जो है वो आज के टाइम पे कंट्री में है, और 2026 तक दोस्तों ये 100 करोड़ से भी ऊपर है जो कि पहुंच जाएंगे स्मार्टफोन। तो भार ओएस क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जैन डी के ऑपरेटर प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने IIT मद्रास के परवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है IIT मद्रास की, उसके साथ में मिलकर इसको बनाया है। सेंट्रल हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, उसके तहत ये डेवलपमेंट जो कि किया गया है। ऑलराइट, चलिए, नेटिव ओवर द ईयर नेटिव ऐप है, कोई डिफॉल्ट एप्लीकेशन नहीं होगी, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज यहां पे अवेलेबल है, ये इसके थोड़े बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे के बारे में बात करें तो 25 जनवरी को दोस्तों नेशनल टूरिज्म डे है जो कि मनाया जाता है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में हमारे जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको प्रमोट करें, उनका ध्यान रखें, उनसे लोग एक दूसरे के बारे में सीखें। हमारा देश बहुत ही डाइवर्सिफाई है, मतलब सच बता रहा हूँ, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, मैंने बहुत सारे कंट्री घूमे हैं, 20-30 कंट्री घूमे होंगे, लेकिन जो अपना कंट्री है ना बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आप पूरी दुनिया घूम लो और एक पूरी तरीके से इंडिया घूम लो बराबर है, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ है, सब कुछ, मतलब रेगिस्तान है, माउंटेन्स हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, लेक्स हैं, बैक वाटर्स हैं, ओशन है, बीचेस हैं, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब हमारे कंट्री बहुत ही अमेजिंग है यार, मतलब अगर आपने अपना कंट्री नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर लो, दुनिया में कितना भी बड़ा पैसा कमा लो, लेकिन अगर आपने हमारा देश नहीं घूमा तो मुझे लगता है कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है जो कि मिस कर दी है, और अगले जीवन में आपको ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं हो सकता है कि अगले जीवन में आप कौन से देश में पैदा हो, वी डोंट नो। ओके, तो आपको घूमना चाहिए, बहुत ही कम पैसे लगते हैं घूमने के लिए, मोटिवेशन चाहिए होता है, पैसे नहीं चाहिए होते, बहुत ही कम पैसे। रेलवे की सुविधाएं बहुत कम पैसे में मिलती है, हर जगह पे आपको बैकपैकर सुविधा मिलती है, 200-300 रुपए में रुक सकते हो। किस्मत से दोस्तों फ्रूट्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं हर जगह पे, केले वेले आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, फ्रूट्स आप खा के अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो और आपको कम पैसों के अंदर आपका खाना भी हो जाता है। तो मैंने तो इसी तरीके से कॉलेज के टाइम पे पूरा कंट्री है जो कि घूमा था। ऑलराइट,
इंटरनेशनल जो टूरिज्म डे वो 27 सितंबर और वर्ल्ड टूरिज्म डे जिसको हम लोग कहते हैं, और हमारे यहाँ पे जो नेशनल टूरिज्म डे वो 25 जनवरी को होता है। ओके गाइज, चलिए, और इससे आप हमारे कल्चर को भी जानते हो। यकीन मानो, जिस आदमी ने ना अगर देश घूम लिया ना, मैं आपको एक बहुत ही जनरल बात बताता हूँ, कोई भी दुनिया में अगर आपको कोई जिसने थोड़ा बहुत भी ट्रैवल किया हो, स्पेशली अगर किसी ने इंडिया ट्रैवल किया हो, यकीन मानिए वो आदमी कभी भी आपको है ना, कभी भी, नेवर एवर, जिसने कंट्री घूम लिया, देख लिया, समझ लिया, यकीन मानिए वो कभी भी आपको बायस नहीं मिलेगा। वो हमेशा बंदा आपको न्यूट्रल मिलेगा, वो हमेशा एक दूसरे के कल्चर की तारीफ करने वाला मिलेगा, रिलीजन को रेस्पेक्ट करने वाला मिलेगा, वो कभी भी कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर कभी भी जो है ना वो हेट्रिक फैलाने वाला कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी सोच बदल जाती है जब आप देश में लोगों से मिलते हो, देखते हो कितने अच्छे लोग हैं, कितने अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, मुश्किलों में रह रहे हैं, मदद कर रहे हैं एक दूसरे की भी, तो आप बहुत हम्बल बन जाते हो, है ना, बहुत ही हम्बल हो जाते हो आप। आपको महसूस होता है कि यार आप कुछ नहीं हो, मतलब आप कितने अचीव कर लो लेकिन आप फिर भी आप दुनिया में बहुत छोटे हो, लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी आपको कोई हेट्रेट वाला और ऐसा कोई आदमी मिले ना, अगर आपको कोई जाति धर्म के खिलाफ कुछ भी, ये देखना 99.99% पॉसिबिलिटी कि उसने इंडिया घुमा ही नहीं होगा कभी, उसने इंडिया देखा ही नहीं होगा, दुनिया तो छोड़ो, उसने इंडिया नहीं देखा होगा कभी भी। ओके, इंडिया की तारीफ तब आप करते हो तब आप इंडिया देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि क्या है हमारा देश। ऑलराइट, एक बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था सत्यमेव जयते के टाइम पे, याद है स्टार्टिंग क्या था, गाना आया करता था, बहुत सही था वो। चलिए, तो उसके अंदर पूरे इंडिया के डाइवर्सिटी दिखाते हैं वो, आमिर खान पूरे देश में जाता है अलग अलग लोगों में, अरुणाचल से लेकर गुजरात, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि स्टेटस बात करें, तो देखो हमारे यहाँ पे दोस्तों इंडिया जो है उसकी 6th रैंक है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अंदर इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। ओके, 2021 की रैंकिंग है, 6th रैंक है हमारी। अगर मैं बात करूं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी हमारा बहुत अच्छा है, यहां पे अगर आप देखोगे, हाँ एक मिनट, तो अगर आप देखोगे तो हमारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.8% का टोटल कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का देखने को मिलता है। 3 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां हैं जो कि टूरिज्म हमारे यहां पर अवेलेबल करवाता है। ओके, यानी कि टोटल मिला के जो जॉब है नियर बाय 6% जीडीपी में और 7% जॉब के अंदर कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का देखने को मिलता है। ओके, चलिए हमारे यहाँ पे कुछ चैलेंजेस क्या क्या है, एक तो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, कई बार कहीं पर भी आप फेंक देते हो कुछ भी, है ना वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसकी वजह से लोग आगे तक नहीं जा पाते, घूम नहीं पाते। कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है, स्वदेश दर्शन, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म, देखो अपना देश, ग्रीन टूरिज्म मिशन, टूरिज्म डे पे, है ना, ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या होता है, वही हमें प्रमोट करने की जरूरत है, रेस्पॉन्सिबल हो, ग्रीन और हॉस्पिटल टूरिज्म की हमें बहुत ही जरूरत है, है ना, कोई अगर आता है तो हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए हर चीज का। हमारे यहाँ पे समस्या है कि कोई दो फॉरनर सिटीजन आए नहीं कि बस पीछे बढ़ गए, तो इससे हमारे देश की बहुत बदनामी होती है, इससे लोग बाहर जाके जो है वो हमारे को लेकर एक परसेप्शन है जो कि क्रिएट करते हैं, है ना। वी शुड हैव टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, डजंट मैटर कि वो कौन से देश से हैं, कैसे दिखते हैं, है ना, ये सब। तो यूनिफाइड टूरिज्म सिस्टम होना बहुत जरूरी है, वन स्टेट वन टूरिज्म का मैस्कॉट होना बहुत जरूरी है, हमें हर एक स्टेट के अंदर अलग ऑफरिंग होती है उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। कितने टूरिस्ट अराइवल्स है जो कि देश में देखने को मिले, ये देखो पहले 50-60 लाख लोग जो कि आया करते थे, ओके 2013 तक सिर्फ 50-60 लोग जो 60 लाख के आसपास फॉरेन टूरिस्ट आया करते थे। 13-14 में सरकार ने बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया था, कई सारे नए कैंपेन चलाए, कई सारे नए प्रमोशन किया, उसके बाद अगर आप देखोगे डबल हो गए टूरिस्ट, तो आज के टाइम पे 1.5 से 2 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट जो कि इंडिया में घूमने आते हैं, ये देखो नंबर बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही जा रहा था, अभी कोविड के अंदर कम हो गया वापस से, वो बात अलग है, अदरवाइज दुनिया में लोग घूमने के लिए आ रहे थे। सबसे ज्यादा दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट से लोग जाते हैं और आते भी यहीं पर ये घूमने के लिए फॉरेन टूरिस्ट, है ना, और इंडिया से भी लोग इन्हीं एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। कौन से कंट्रीज है सबसे ज्यादा, बांग्लादेश के लोग घूमने आए, बांग्लादेश के लिए इंडिया हनीमून डेस्टिनेशन है, यूएस के लोग, उसके बाद यूके, कनाडा, ये सारे लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में घूमने आए। ऑलराइट, हम लोग कहां पे जाते हैं सबसे ज्यादा,
हम लोग जाते हैं यूएई 34%, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड पे सऊदी अरेबिया, कतर और सिंगापुर। ओके, अगर आप में से कोई टूरिज्म का काम करता है तो इन 5 कंट्रीज के ऊपर फोकस कर लो, बाहर घूमने के भेजने के लिए आपका काम हो जाएगा, बढ़िया पैसे कमा लोगे। आगे बात करते हैं रेन्यूएबल पावर इन इंडिया को प्रोस्पेक्टिव को लेकर। रिसेंटली दोस्तों एक रिपोर्ट में बताया गया ग्लोबल सोलर पावर ट्रैकर के अंदर और विंड पावर ट्रैकर है ना, इसके अंदर बताया गया कि दुनिया के टॉप 7 कंट्रीज में हम लोग अगर रेन्यूएबल पावर के बारे में बात करें तो हमने प्लान किया है कि 76 गीगावाट जो है हम लोग सोलर और विंड पावर 2025 तक इंस्टॉल करेंगे, जिससे हम लोग नियर बाय $20 बिलियन एक साल का पैसा है जो कि बचा लेंगे। हम लोग 420 गीगावाट विंड और सोलर पावर है जो कि 2030 तक का लगाने का हमने टारगेट किया है। ओके, 5% जो टोटल हमारे यहाँ पे सोलर पावर ग्लोबली जो है हम लोग बना रहे हैं, चाइना और यूएसए के बाद में, ऑस्ट्रेलिया के बाद में हम लोग तीसरे नंबर के ऊपर है, 17 नंबर पे ग्लोबली है अगर हम लोग विंड पावर कैपेसिटी की बात करें तो। और चाइना दुनिया में नंबर 1 है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएस, ये सब कंट्रीज भी दोस्तों रेन्यूएबल के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। ओके, रीजन हमारे यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारे यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रोथ अच्छी है, एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, रेन्यूएबल पावर को लेकर है ना। हमारे यहाँ पे इंपोर्ट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पॉल्यूशन तो एक मेजर इंपॉर्टेंट कारण है ही है। बेनिफिट बहुत ज्यादा है रेन्यूएबल एनर्जी के, सस्टेनेबिलिटी है, आत्मनिर्भर भारत, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी तब होती है तब आप रिसोर्सेज को बचाते हो। देखो भाई, आप पानी का और बिजली का इसका बिल भर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कितना ही यूज कर लो, बिल इसलिए दे रहे हो आप क्योंकि आपको सुविधा मिली है। तो जितना पानी और जितनी बिजली आपको रिक्वायर है उतना यूज करो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि जो बचाओगे आप वही लास्ट गांव तक है जो कि वो पहुंचेगा, समझ गए। अगर आज आपने 2 मेगावाट बचाई है पूरे शहर ने, तो 2 मेगावाट आपके गांव से शहर में अवेलेबल करवाई जाएगी, शहर से गांव में अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, हम लोग पैसा देते हैं इसको यूज करने का, एक्सप्लॉइट नहीं करना है कभी जिंदगी में इनको। आपको मिल रही है सुविधा, इसका मतलब ये नहीं है आप उसको बिजली, पंखे, पानी छोड़ के चले जाओ, खाना वाना वेस्ट कर दो, दिस इज नॉट ए वे है ना। हमेशा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑलराइट, मेजर प्रोग्राम्स की बात करें, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर चलाए गए, सोलर पार्क, अटल ज्योति योजना, कुसुम और साथ में नेशनल सोलर मिशन। चलिए आगे बात करें संख्या सागर को लेकर। एक प्लांट होता है आपका वाटर हाइसेंथ करके, इसने क्या किया है कि मध्य प्रदेश में एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि बनाया गया था, वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया। हर जगह पे ये पेड़ है जो कि देखने को मिल गए, जिसकी वजह से सनलाइट डीप में नहीं जा पा रही है और पूरी तरीके से दोस्तों लेक है जो कि खत्म हो गई है। रामसर साइट इसको 2022 में डिक्लेयर किया गया था, मेंटेनेंस भी किया गया, लेकिन इस प्लांट की वजह से क्या हो गया, ये प्लांट हेल्पफुल भी होता है, वाटर प्यूरिफाई करने का भी काम करता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये पूरी की पूरी जो लेक है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। निधि कंपनीज के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने दोस्तों निधि कंपनीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करने के लिए बोला है। निधि कंपनी कौन सी होती है, एक NBFC कंपनी होती है जो कि लोगों को सेविंग हैबिट करवाती है और उसके ऊपर म्यूचुअली बेनिफिट का काम करती है। कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, लाइसेंस की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे बात करते हैं डूम्सडे क्लॉक। आपको मालूम है दोस्तों ये एक ऐसी क्लॉक है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया कब खत्म होने वाली है, दुनिया के जो एक्शंस होते हैं ना उसके हिसाब से इस क्लॉक का टाइम ऊपर नीचे करा जाता है। तो अभी रिसेंटली इसको आइंस्टाइन के द्वारा और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा बनाया गया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था ना, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, उस टाइम पे इसको बनाया गया था। ओके, क्योंकि जब एटम बॉम्ब बने थे तो समझ में आ गया इन लोगों को कि भाई घड़ी को आगे बढ़ा दो, दुनिया तबाह होने की तरफ है, क्योंकि एटम बॉम्ब पहली बार दुनिया में तैयार किए जा रहे थे अमेरिका के अंदर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसका नाम था, और बाद में हिरोशिमा नागासाकी पे यूज भी करे गए। ओके, तो डूम्सडे क्लॉक है जो कि इसको हम लोग कहते हैं, है ना, पब्लिक को अवेयर करने के लिए बनाई गई है कि वर्ल्ड के हम लोग कितने क्लोज है। तो ये इसकी स्पीड बहुत तेजी से जा रही है, अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम ले रहा है। ओके, तो इट्स 100 सेकंड्स टू मिडनाइट, तो मिडनाइट पे आने पे बोल दिया जाएगा कि दुनिया गई। ओके, चलिए 5 जो कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला होता है मरॉन, इसका मतलब होता है हमला करना, पिलिज बहुत अच्छा वर्ड है, रेंसैक इसका बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कि पेपर में पूछते रहते हैं, रिप्लेट का मतलब है पूरी तरीके से किसी चीज को फिल करना, और हर्ल का मतलब है किसी चीज को जोर से किसी को बोलना, चिल्लाना, ग्रेट फोर्स के साथ में पिच करना है ना। रिजाइन का मतलब होता है शासन, और अनटेनेबल का मतलब अस्थिर, जो बहुत ही वीक होता है उसको कहते हैं।
इसके अलावा दोस्तों क्लास 24 पे जितने भी एग्जाम के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सभी आप दो दिन के लिए, आज और कल के लिए आपको 20% ऑफ मिल रहा है। आप फ्लैग 20 रेफरल कोड है जो कि काम में ले सकते हैं। ओके, कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को लेकर, साथ में आपको करंट अफेयर का कोर्स है, साथ में आपका SSC के जितने भी टॉप एग्जाम्स हैं सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, KVS का, EORO का, है ना, रेलवे के जो आपके साइंस है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये सभी कोर्सेज का। साथ में अगर आप UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट एग्जाम देना चाहते हैं तो JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर भी अगर आप रेफरल कोड फ्लैग 10 काम में लोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ऑलराइट, पहला सवाल देख लेते हैं आज का, जो कि ट्रांस फैट से संबंधित है। कल परसों मैंने पढ़ाया था कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि नेचुरल या फिर इंडस्ट्रियल सोर्सेज से बनता है। ओके, थर्ड है, रिप्लेस कैंपेन FAO के द्वारा लॉन्च किया गया था पूरी दुनिया में ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए। तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला ही सही है, इंडस्ट्रियल या फिर नेचुरली अनसैचुरेटेड फैट है जो कि बन जाता है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि रिप्लेस कैंपेन WHO के द्वारा चलाया गया था, FAO के द्वारा नहीं चलाया गया था। ऑलराइट, तो ये आपका सही आंसर है। यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आर्टिकल 44 में है। थर्ड आपका इंडिया इजिप्ट रिलेशन को लेकर है, तो ये दोनों फाउंडर है NAM के, बिल्कुल सही बात है। इस बार के चीफ गेस्ट भी है, बिल्कुल सही बात है। तो सी आपका सही आंसर है। जर्नलिस्ट सोर्सेस को लेकर है दोस्तों, इंडिया प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट जो है 1978, उसमें बोला गया है कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है अपने सोर्सेस को डिस्क्लोज करने से, बिल्कुल सही बात है। एजेंसीज दोस्तों इश्यू नोटिस कर सकती है जर्नलिस्ट को अपने इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो ए आपका यहां पे सही आंसर है। हालांकि अभी कर दिया था CBI ने, जिसकी वजह से उसको कोर्ट में भी जाना पड़ा था। भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, ये एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। PDF और कोर्सेज के लिए आप क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन।